जम्मू कश्मीर कांग्रेस कमेटी के चीफ गुलाम अहमद मीर ने जम्मू के जिला राजौरी के डाक बंगलों में पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की। गुलाम अहमद मीर ने पार्टी को मजबूत करने पर जोर दिया और जम्मू कश्मीर में मौजूदा पीडीपी और भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने के लिए मोदी और मुफ्ती ने जो वादे आम जनता के साथ किए थे वो उन पर अब खरे नहीं उतर रहे हैं। भाजपा ने जम्मू में और पीडीपी ने कश्मीर में जनता के साथ धोखा किया है। यही तो हम आज नरेंद्र मोदी से पूछना चाहते हैं कि जब कांग्रेस सरकार चाहे पीडीपी के साथ थी चाहे एनसी के साथ ही पिछले दिनों में, तो हमने जिस तरह से चलाया वो देश जानता है, मगर तब भी भारतीय जनता पार्टी और उनके लीडरान ज़रा ज़रा सी बात को लेकर चिंगारियां बना लेते थे, आग लगाने की बात करते थे, क्षेत्रवाद की बात करते थे, जाति पात की बात करते थे। आज तो वो खुद सरकार में है, रियासत में भी और नेशनल लेवल पर भी, और जो बड़े बड़े दावे देते थे आज उनके होते हुए, उनके होम मिनिस्टर के होते हुए, उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर के होते हुए क्या क्या हो रहा है, ये तो जवाब कांग्रेस पार्टी मांग रही है उनसे। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।